पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत। मेरे साथ इस वक्त मौलाना मौजूद है, इन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी के खिलाफ प्रदर्शन किया, उसके बारे में जानते हैं। सर, पाकिस्तान एम्बेसी के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है? देखिए, एक तो वो तो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं और कश्मीर में आतंकवादी भेज रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने जो बैंड जमातें थी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, ये बैंड है वहाँ कानून तरह बैंड, उनको अलाउ किया कि वो अपना जलसे करें, जुलूस निकालें, और उसमें यजीद जिंदाबाद के नारे उन्होंने लगाए। यजीद वह जिसने रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद करवाया था, वही है कि जिसे मदीना मुनव्वरा जो हमारा बहुत सेक्रेट प्लेस है उस पर हमला करवाया, वहाँ और हमारे रसूलुल्लाह के सहाबी की औरतों को रेप किया उसने, और इसी तरह से मदीने काबे शरीफ पर हमला करवाया जो हमारा सबसे पाक मकाम है, और वहाँ आग लगवा दी उसने अपने लश्कर के जरिए से। इसको जिंदाबाद कहने का मतलब यह है कि ये लोग मुसलमान नहीं है, ये इसराइली एजेंट है, अमेरिकन एजेंट है, और मुसलमानों का नकाब ओढ़े मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। ये पब्लिक को समझना चाहिए, और जितने भी आतंकवादी हैं सब यजीद के मानने वाले हैं। तो यजीद जिंदाबाद का मतलब ये है कि आपने आतंकवाद जिंदाबाद का नारा लगाया है, इसका मतलब गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की, इमरान खान जो है वो इमरान खान नहीं अब तालिबान खान है, ये साबित हो चुका है। इसे लेके भारत सरकार से क्या मांगे? हमारा मुतालबा ये है कि हमारी डिमांड जो है हम तक पहुँचाए, और अगर वो डिमांड हम ना माने तो एम्बेसी को यहाँ बंद कर दिया जाए। अगर भारत सरकार ये मांग ना माने तो इसके आगे क्या करें? तो हम फिर अभी तो कोविड है, लिहाजा हमने बहुत कम उलमा को खाली बुलाया है, उसके वरना फिर बहुत बड़ी भीड़ हम जमा करेंगे पाकिस्तान एम्बेसी के खिलाफ। सर, आज का जो ये प्रदर्शन है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, इसका सबसे अहम महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान का बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान कंसेप्चुअली एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें कोई कॉन्सेप्ट में ही दम नहीं। पाकिस्तान का जो जन्म हुआ था वो इंटरनेशनल साजिश की वजह से, कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा ताकतवर देश ना बन सके, इसीलिए पाकिस्तान का जन्म ही हुआ था। अब पाकिस्तान की सक्सेसिव गवर्नमेंट की मजबूरी ये रही है कि उनका कॉन्सेप्चुअली देश फेल है, उनके देश का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो वो एक या दूसरा बहाना करके कोई ना कोई शर फितना शरारत करके अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करें और अपनी फेलियर ऑफ एग्जिस्टेंस को की तरफ से लोगों का ध्यान हटाएं। उसकी शक्ल में आप लोगों ने बहुत सारी पूरी दुनिया ने देखी है, आतंकवाद को बढ़ावा देना, ये सब उनके अपनी तरफ से ध्यान भटकाने के लिए, अपने फेल्ड कॉन्सेप्ट की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए रहा। उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल यजीद, जो कि पूरी दुनिया के मुसलमान जिससे हेट करते हैं, जिससे हर एक अमन पसंद नागरिक पूरी दुनिया का हेट करता है, उसको जस्टिफाई करने के लिए वहाँ पे उसके फेवर में रैलीज़ कराई जा रही हैं पाकिस्तान सरकार द्वारा, और उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लेटेस्ट चाल है पाकिस्तान सरकार की अपने नाकामियों की तरफ से, अपने क्राइम्स की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए। मगर भारत के मुसलमान, क्योंकि दुनिया के सबसे ज़िम्मेदार मुसलमानों में से अपने आप को समझते हैं, तो भारत सरकार से भी वो निवेदन कर रहे हैं, और मुस्लिम जितने भी मुल्क हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये जो रिपीटेड गलतियां और चोरियां और बेईमानियां हैं, उसकी वजह से अपनी अपनी एम्बेसियों को पाकिस्तान की अपने अपने देश में से बंद किया जाए। और हम भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं कि एक मुहिम के तौर पे इसको शुरू करें कि पाकिस्तान में जो यजीद के फेवर में और आतंकवाद के फेवर में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, उसकी वजह से सारे मुस्लिम ममालिक कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम शुरू करें और इनकी एम्बेसीज बंद करने की कार्रवाई शुरू करें, जिसकी हम सबसे मजबूत डिमांड भारत सरकार से करते हैं कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर जो दिल्ली में है उसको तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि इस तरह के शर्फ इतने हम अपने देश की धरती पे नहीं पैदा होने। इसे लेकर सरकार को कोई ज्ञापन सौंपा गया अभी तक? कोई बात हुई सरकार से इसे लेकर? इससे हम सरकार को एक ज्ञापन सौंपेंगे ही, पाकिस्तान की सरकार से हम कम्युनिकेशन ही नहीं रखना चाहते, इसलिए हम उन्हें कोई ज्ञापन नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपनी सरकार को हम एक ज्ञापन देंगे जिसमें हम जितने भी देश के प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैं उनकी तरफ से निवेदन करेंगे पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ना सिर्फ मुहिम छेड़ी जाए पूरे दुनिया में, मुस्लिम देशों को लिखा जाए भारत सरकार की तरफ से कि ये भारतीय मुस्लिम्स की आवाज़ है जिसको हर एक मुस्लिम देश में भारत सरकार उठाए, दूसरा पाकिस्तान की एम्बेसी सारे मुल्कों में से बंद करी जाए, जिसकी शुरुआत मैं ये समझता हूँ हमारे देश भारत से ही होनी चाहिए। अगर सरकार नहीं मानी आपको इस नाम की एम्बेसी को बंद किया जाए, फिर इसके बाद कौन सा कदम उठाएंगे?
प्रदर्शन? देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि भारत की सरकार को इसमें कोई भी परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है पाकिस्तान के खिलाफ। हमारे देश को वो तरह तरह से नुकसान पहुंचा भी रहा है पाकिस्तान, सीपेक की शक्ल में चाइना की गवर्नमेंट से मिलके। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी सरकार को, भारत की, कोई परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि एक गलती पाकिस्तान की सरकार ने कर दी है कि दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, वो तो मैं समझता हूँ भारत की सरकार के साथ तुरंत लामबंद हो जाएंगे। इस मौके को भारत सरकार को नहीं खोना चाहिए, और हम ये निवेदन प्रधानमंत्री जी से भी करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर साहब से भी करते हैं, और डिफेंस मिनिस्टर साहब से भी करते हैं कि ये मौका हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पाकिस्तान को आइसोलेट करके उसके खिलाफ सारे मुस्लिम देशों को इकट्ठा करना चाहिए, उसकी एम्बेसी सब जगह से बंद होनी चाहिए। जो मुल्क आतंकवाद को इस तरीके से बढ़ावा दे रहा है पूरी दुनिया में, और पूरे आलम इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं हिंदुस्तान जैसे अमन पसंद मुल्क के अंदर इस तरीके के आतंकवादी मुल्क की एम्बेसी क्या करेगी? तो हम डिमांड करते हैं कि इस एम्बेसी को फौरन बंद किया जाए। एक देखिए, यजीद जैसे जो इतिहास में जिनको आतंकवादी पूरा बना कहा गया है और माना गया है, आलम इस्लाम पूरा नफरत करता है इस शख्स से, उसको आतंकवादी माना जाता है, उसको एक आइडियल की शक्ल में पाकिस्तान की जो लोग हैं और हुकूमत जो बैकअप कर रही है वो नौजवान पीढ़ी के सामने पेश कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि अब पाकिस्तान आतंकवाद को एक नई शक्ल दे करके आतंकवाद को फरोग देने की कोशिश कर रहा है, उसकी हम सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, और हम इसके साथ साथ हमारी हुकूमत से भी डिमांड करते हैं कि वहाँ पर जो जो खुराफातें हो रही हैं उसको दूर किया जाए, और हमारे मुल्क के जो मोदी जी जिन्होंने सारे काम कर दिए आज की तारीख में, हम चाहते हैं कि आप बलूचिस्तान पे भी काम करें और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे भी काम करें, और उन लोगों को भी वहाँ से छुटकारा दिलाएं, उनकी जुल्म जबर का जो शिकार हो रहे हैं, वहाँ पर जुल्म हो रहा है, उससे छुटकारा दिलाएं। चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन के पास कुछ तंजीमों ने धरना प्रदर्शन किया पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान ने उस यजीद को जगह दी है जिन्होंने प्रोफेट मोहम्मद का कत्ल किया था, जिनके ऊपर प्रोफेट मोहम्मद के कत्ल के इल्ज़ाम लगे हैं। उसी यजीद को पाकिस्तान ने अपने मुल्क में जगह दी है, जिसके खिलाफ भारत के मुसलमानों ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया है। यहाँ पर हमने मौलाना कलवे जवाद जी से बात करी, जिन्होंने कहा कि हमारी भारत सरकार से मांग है कि पाकिस्तान एम्बेसी को इंडिया के अंदर बंद कर देना चाहिए। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन ताबिश अली के साथ मैं बुलबुल।